पिशावर की टिश्यू पेपर फैक्ट्री में खौफनाक आग, 12 घंटे गुजर गए, आग पर काबू ना पाया जा सका। आग तेजी से फैल रही है, फैक्ट्री की छत का कुछ हिस्सा गिर गया। हयातबाद इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में दिन 12 बजे आग लगी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन में 40 फायर टेंडर्स, 130 से ज्यादा फायर फाइटर्स हिस्सा ले रहे हैं। 4 सदा मर्दान और नौशेरा से मजीद फायर टेंडर्स और फायर फाइटर्स को भी तलब किया गया। पाक फिजाइया के फायर टेंडर और फायर फाइटर्स भी आग बुझाने में मसरूफ हैं। डीजी रेस्क्यू डॉक्टर अयास ने बताया, आग बुझाते हुए 15 अहलकार जख्मी हुए। आग की नौयत अव्वल दर्जे की है, केमिकल की आग है जिसे कंट्रोल करने में वक्त लगेगा। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगी, करोड़ों रुपए मालियत का सामान जल गया। कराची के इलाके फेडरल भी एरिया में दुकान में आग लगने से 2 अफराद झुलस कर जान से गए। आग रिहायशी इमारत में कायम एलपीजी की दुकान में लगी थी। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ लंदन पहुंच गए। इवन फील्ड अपार्टमेंट के बाहर नून लीग के कारकुनान ने इस्तकबाल किया, गाड़ी पर फूल निछावर किए। पीटीआई कारकुन भी एहतजाज के लिए इवन फील्ड अपार्टमेंट के बाहर जमा। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को तलब। चीफ जस्टिस सियाया आफरीदी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इजलास की सदारत करेंगे। चीफ जस्टिस ने पीर को जजेस का फुल कोर्ट इजलास भी बुलाया। As Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my abilities and faithfully in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. जस्टिस याह्या आफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बरदारी में वजीर आजम शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, तीनों मुसल्ला अफवाज के सरबराहान ने शिरकत की। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आलिया मीन गंडापुर और वजीर आला बलोचिस्तान भी आए। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अदम इनल्ला भी तकरीब हल्फ बरदारी में शरीक थे। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी का मनसब संभालते ही बड़ा एकदम। जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा जजेस कमेटी में शामिल कर लिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर को हटाकर जस्टिस अमीनुद्दीन को कमेटी में शामिल किया था। नए चीफ जस्टिस की तकरूरी से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की भी तश्कीलें 9। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी चेयरमैन, 2 सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब काउंसिल के रुकन होंगे। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस में से 2 सीनियर तरीन भी काउंसिल का हिस्सा होंगे। असेंबली जायज नहीं है, इसका दोबारा इंतखाब होना चाहिए, जायज इंतखाब होना चाहिए ताकि आवाम की हकीकी राय सामने आ सके। मौलाना फजल रहमान ने मौजूदा असेंबली को फिर नाजायज करार दे दिया। दोबारा इलेक्शन का मुतालबा, खुशाब में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, 26वीं तरमीम के बाद भी हुकूमत का नहीं अपोजिशन का हिस्सा है। सरगोधा में मीडिया से गुफ्तगू में भी कहा कि उन्हें अपने मुस्तकबिल का नहीं पता, पीटीआई का क्या बताएं, एक जाता है दूसरा आता है, ये मामूल की बात है। समझ नहीं आता हमारे यहाँ मामूल की तब्दीली को गैर मामूली क्यों समझा जाता है। पीटीआई रहनुमा जैन कुरैशी डिप्टी पार्लियामानी लीडर के ओहदे से मुस्ताफी। जैन कुरैशी ने पार्टी की जानिब से शो कॉज नोटिस मिलने के बाद ओहदे से इस्तीफा दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, पार्टी क्यादत की जानिब से दिए गए शो कॉज नोटिस का बाजाब्ता तौर पर जवाब दे दिया। आजाद और शफाफ इंक्वायरी के लिए अपने ओहदे से इस्तीफा दिया। बानी पीटीआई अपने वालिद और पार्टी का वफादार था, हूँ और रहूंगा। इस्लामाबाद में कैदी वंस पर मुबैना हमला केस में नामजद 86 मुलजिमान का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 82 कैदियों और हमलावरों के खिलाफ मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक 82 अफराद को अदालत में पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। टोल प्लाजा के करीब 35 से 40 मुसल्ला अफराद ने फायरिंग की और लाठियों से हमला किया। जेरे हिरासत मुलजिमान को कैदी वैन से आजाद करवाया गया, अहलकार जख्मी हुए। फरार मुतअद्दिद कैदियों और 4 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया।
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की चीन के नायब वजीर खजाना से वाशिंगटन में मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, पाकिस्तान चीनी मुआशी इस्लाहात से सीखने के लिए पुरअज़्म है। वजीर खजाना का चीनी कारकुनों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने का अज़्म का इरादा। वजीर खजाना से गूगल के नायब सदर करण भाटिया की मुलाकात। पाकिस्तान में गूगल की सरगर्मियों और सरमायाकारी में इजाफे पर ब्रीफिंग। नेक्टिस किक बैंक के आलमी सरबरा मोहम्मद कलाला भी वजीर खजाना से मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर, तवनाई, ट्रांसपोर्ट और दीगर शोबों में बैंक की सरमायाकारी पर ब्रीफिंग। मोहम्मद कलाला ने कहा, बैंक चंद नुमाया पाकिस्तानी कंपनीज के साथ इश्तराक करना चाहता है। हुआ डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से टेस्ट कंडक्ट करने में, उस प्रोसेस में 40 जगहों पर 40 से ज्यादा लोगों ने खुद बुर्द किए। रिटेन जो है वो चीजें हमारे पास एविडेंस आ गए हैं। सेंधाई कोर्ट का 4 हफ्तों में एमडी कैट टेस्ट दोबारा लेने का हुक्म। पूरे टेस्ट का निजाम कॉम्प्रोमाइज्ड है, दोबारा टेस्ट लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अदालत ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने एफआईए साइबर क्राइम की रिपोर्ट को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया। इंक्वायरी टीम ने गैस पेपर्स का तासर मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक एमडी कैट टेस्ट के लिए पेपर 2 बार लीक हुआ। पहली बार पेपर 21 सितंबर को 8:15 बजे व्हाट्सएप पर लीक हुआ। दूसरी बार 22 सितंबर को टेस्ट से 6:51 पहले लीक किया गया। डॉक्टर विनोद कुमार और डॉक्टर साजिद के खिलाफ शिकायत की गई। डाउ यूनिवर्सिटी से 10 अफराद के फोन और दीगर मुतालिका मवाद तहवील में ले लिए। तमाम स्टाफ को पेपर सेट करने के दौरान मोबाइल रखने की इजाजत दी गई। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की शदीद खिलाफ वर्जी नोट की गई। कराची से लाहौर जाने वाली कराक्रम एक्सप्रेस 8 घंटे ताखीर का शिकार। रेलवे अमले की लापरवाही के बायस मुसाफिर गर्मी में स्टेशन पर रुल गए। कहते हैं रेलवे अमले ने 6 घंटे 3 बोगियां तब्दील करने में जाया कर दिए। सर सैयद एक्सप्रेस भी 1-2 ताखीर का शिकार हो गई। शिकारपुर में कच्चे के डाकुओं ने 2 मुखबिर बच्चों को जंजीरों से जकड़कर वीडियो वायरल कर दी। 50 लाख तावान न देने पर बच्चों को जान से मारने की धमकी। इसराइल का ईरान पर फिजाई हमला। 4 ईरानी फौजी जहां भाग। 3 सूबों में फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। ईरानी फौज का कहना है तेहरान, इलाम, फस्तान में हमलों से महदूद नुकसान हुआ। ईरान के फिजाई दिफाई निजाम ने कामयाबी से इसराइली जारियत को रोककर मुतादे ड्रोन्स मार गिराए। इसराइली फौज का कहना है तयशुदा फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। तर्जुमान इसराइली फोर्सेस का कहना है ईरान की फौजी तंसीबात पर हमले के बाद तैयारे वापस आ गए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमरीका ईरान पर हमला करने वाले इसराइल के साथ खड़ा हो गया। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान कहते हैं ईरान ने जवाब देने का फैसला किया तो हम तैयार रहेंगे। तेहरान को संगीन नतीजे का सामना करना पड़ेगा।